ये आदमी इस फोन को खोलने की कोशिश कर रहा था और जब वो फोन के पासवर्ड का अंदाजा नहीं लगा पाता तो वो फोन को ही तोड़ देता है। फिर वो उस फोन को खोलकर उसकी स्क्रीन को बदल देता है और फोन के अंदर एक जासूसी कैमरा लगा देता है क्योंकि ये फोन उसे एक बस के अंदर पड़ा हुआ मिला था। तो अगले दिन उस फोन पर उसके मालिक का कॉल आता है। वो आदमी आवाज बदलकर उसको बताता है कि उसने गलती से फोन को तोड़ दिया था, जिसके बाद उसने फोन को एक दुकान पर ठीक होने के लिए भेज दिया है और उसके पैसे भी दे दिए हैं। वो लड़की को उस दुकान का एड्रेस बताकर कॉल काट देता है। अगले दिन वो लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है। वो दुकान उसी आदमी की थी और वो उस लड़की के फोन का पासवर्ड पता लगाने के लिए उसे एक फॉर्म भरने के लिए देता है, जिसके बाद वो फोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको एक दूसरे फोन के साथ कनेक्ट कर देता है। अब जो भी वो लड़की अपने फोन पर करती है वो आदमी उन सभी चीजों को देख सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस लड़की पर भी कैमरा के जरिए नजर रख रहा था। अब वो उस लड़की के बारे में सारी जानकारी जमा कर लेता है और शाम को उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो काम किया करती थी। अब रात होने पर वो लड़की अपने घर पर आकर सो जाती है और रात भर में वो लड़का उसके फोन में और छानबीन करता है। वो उस लड़की के बारे में काफी सारे नोट्स बना लेता है, जैसे उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। वो अपने घर में अकेली रहती है और उसके घर का मालिक भी शहर से बाहर गया हुआ है।